बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कूली नंबर वन को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। यह फिल्म साल 1995 में आई कूली नंबर वन का रीमेक है। इसे भी डेविड धवन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले जहां फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर नजर आए थे, वहीं इस बार सारा वरुण अपनी केमिस्ट्री दिखाएंगे। ये पहली बार है जब वरुण धवन और सारा अली खान की जोड़ी स्क्रीन पे शेयर करेगी। हाल ही में वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह सारा संग नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वरुण धवन कूली के आउटफिट में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं सारा व्हाइट कलर आउटफिट में काफी प्रिटी लग रही हैं। दोनों ही सितारे एक साथ काफी जम रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए वरुण ने कैप्शन में लिखा, इज कूली बहुत काम कराती है, ये सारा है, दोनों ही सितारे एक साथ जम रहे हैं। कूली नंबर वन अगले साल 1 मई 2020 को रिलीज होने वाली है। अगले साल ही सारा की इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म भी आएगी। इसका टाइटल आजकल बताया जा रहा है। फिल्म में सारा के साथ कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक बेताब हैं। ये एक रोमांटिक फिल्म है जो अगले साल वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी को रिलीज होगी। वही वरुण धवन की बात करें तो वरुण स्ट्रीट डांसर और पाक के 10 टैंक उड़ाने वाले अरुण खेत्रपाल की बायोपिक में नजर आएंगे। अंधाधुन फिल्म डायरेक्टर श्री राम राघवन अरुण खेत्रपाल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में लीड रोल के लिए वरुण को फाइनल किया गया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।